हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप वेलवेट की कुर्ती सिलते हैं तो उस पर सिलाई काफ़ी बार क्या होता है, ख़राब आती है और खिंच खिंच के सिलाई आती है। ये देखें, अभी मैं यहाँ पर सिलाई कर रही थी तो मेरी सिलाई भी कुछ इसी तरीके से आ रही थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे अपनी ये कुर्ती सिलने में। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और आपको कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने चाहिए कि आप अपने कुर्ती, जो भी आपकी शनील की या फिर वेलवेट का कपड़ा है, तो अगर उस पर सिलाई आपकी ठीक नहीं आ रही है तो आप सिलाई कैसे लगाएं। ये देखिए, इस तरीके से खिंच खिंच के आ रही है ये हमारी सिलाई, टाप 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 देते हुए, कहीं पर बड़ी सिलाई कहीं पर छोटी सिलाई इस तरीके से आ रही है। तो इसको हमें दोबारा से खोल के दोबारा से सिलाई लगानी पड़ती है, बट ये वाली प्रॉब्लम अभी आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो अभी मेरी मशीन में ऐसी ही सिलाई आ रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। सबसे मेन प्रॉब्लम जो हमारी आती है इस तरीके की सिलाई आती है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपकी सुई का, कि अगर आपने सही तरीके से सुई नहीं लगाई और सही नंबर की सुई आपने अगर यहाँ पर नहीं लगाई हुई है तो आपकी जो सिलाई है वो इस तरीके से ख़राब आ सकती है। तो देखिए, अभी जो मेरी मशीन में सुई लगी हुई है वो यहाँ पर लगी है, ये ऑर्गन की 16 नंबर की सुई लगाई है मैंने, तो इससे जो सिलाई है वो इस तरीके की आ रही है, ठीक सिलाई नहीं आ रही है। 16 नंबर की जो सुई है, आप नॉर्मल कपड़े या फिर कॉटन के, जॉर्जेट के, जो भी कपड़े सिलते हैं उसके लिए 16 नंबर की सुई हमारी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। तो अब इसको हटा के हम लगाएंगे यहाँ पर 14 नंबर की सुई। तो जब भी आप शनील के या फिर वेलवेट के कपड़े सिले तो आप 14 नंबर की सुई लगा लीजिए। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि हमने 14 नंबर की सुई लगाई, 14 नंबर की सुई लगाई, फिर भी हमारी जो सिलाई है वो ठीक नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गाइस इस तरीके की, जब सिलाई आने लगती है ना दिमाग ख़राब हो जाता है और कुछ भी सिलने का मन नहीं करता। सो आप लोग इस्तेमाल करते होंगे ये वाली जो नॉर्मल हमारी सिलाई करने वाली सुइयाँ होती हैं वो इस्तेमाल करते होंगे। काफ़ी बार ये ख़राब क्वालिटी की होती हैं, इसलिए आपके जो बहुत पतले शनील होते हैं ना उन पर ये काम नहीं करती हैं। तो अगर आपका कोई भी सुई अगर आपकी ठीक से नहीं चल रही है तो आपको लेनी है ये ऑर्गन नीडल्स की 14 नंबर की ये सुई आएगी। इसमें देखें 5 पीसेस रहते हैं, इसमें 10 पीसेस रहते हैं। तो अब हम ये वाली लगाएंगे, उसके बाद में देखेंगे कि हमारी सिलाई कैसी आ रही है। 14 नंबर की सुई लगाने से आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। बहुत लोग बोलते हैं कि आपको वेलवेट के कपड़े में 11 नंबर की सुई लगानी है, बट वो बहुत ज़्यादा मोटी पड़ जाती है और सिलाई आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगी। तो आपको इस्तेमाल करनी है ये 14 नंबर वाली सुई। अभी देखें हमारी जो सुई है वो इसमें 16 नंबर की लगी हुई है, इसको हम खोल के निकालेंगे और ये वाली सुई इसमें लगाएंगे, उसके बाद में मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगी। ऊपर देखें हमने ये वाला धागा लगाया हुआ है और नीचे मैंने अलग कलर का धागा लगाया हुआ है, जिससे कि आपको जो सिलाई है वो बिल्कुल ठीक तरीके से दिखे कि हमने कौन सी कैसी हमारी सिलाई आ रही है। देखिए, सुई को हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है और सबसे पहले मैंने ये खराब कपड़ा ले लिया है, मतलब वेस्ट कपड़ा ले लिया है, इस पर हम सिलाई चलाकर देखेंगे। हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है और बैक साइड से अगर मैं दिखाऊं तो आपको ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारी सिलाई आ रही है। ये तो हो गया हमारा सिंगल कपड़े पर। परेशानी कब आती है, जब हम डबल कपड़े में सिलाई लगाते हैं। तो इसको हम इस तरीके से डबल करेंगे और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं। ये देखें, ये हमने डबल करके सिलाई लगा ली है और अभी भी हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। और ये है हमारी सिंगल वाली सिलाई, ये हो गई हमारी डबल कपड़े। अब मैंने ले लिया है यहाँ पर ये एंकर थ्रेड, इसमें मैंने लपेट लिया है बॉबिन में अच्छी तरीके से। तो अब जो नीचे वाली बॉबिन है उसको हम निकाल लेंगे और इसके अंदर आपको देखें इस तरीके से इसको इंसर्ट करना है, जैसे हम नॉर्मल अपना सिलाई का धागा निकालते हैं वैसे ही इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से, और हल्का सा आपको घुमा के देख लेना है कि ये घूम रही है हमारी बॉबिन या फिर नहीं। इसको अब हम नीचे लगा देंगे
देखिए एंकर थ्रेड हमने ऊपर की तरफ निकाल लिया है। अब इस पर भी मैं आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी कि अगर आपको कोई कढ़ाई करनी हो एंकर थ्रेड से तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, जब आप एंकर थ्रेड के साथ सिलाई लगाएं तो आपको सिलाई थोड़ी हल्की हल्की यानी कि आराम आराम से लगानी है। ये देखें एंकर थ्रेड के साथ भी कितने अच्छे से एंड फिनिशिंग से आपकी सिलाई आ जाएगी दोनों साइड की तरफ से। ये हमारी बैक साइड है और ये है हमारे कपड़े की राइट वाली साइड। तो एंकर थ्रेड की हेल्प से भी आप इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन अपने वेलवेट के सूट पे या फिर नेक पर क्रिएट कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। और यहाँ पर देखिए बहुत ही रफली मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप अपने नेक पर कोई भी डिज़ाइनिंग बनाना चाहें एंकर थ्रेड के साथ तो आप इस तरीके से पहले उल्टी वाली साइड की तरफ निशान लगा लीजिए, देन उसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। तो आपका बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन भी बनकर रेडी हो जाएगा जो कि लगेगा बिल्कुल एम्ब्रॉयडर्ड है। सो ये देखें गाइज, तो इस तरीके से आप अपनी सुई को केवल चेंज करके और अगर फिर भी आपकी सिलाई ठीक नहीं आ रही है तो आप थोड़ी बहुत अपने मशीन की सफाई कीजिए और इसमें ऑयलिंग कीजिए, उसके बाद में आप अपनी सिलाई करके देखिए, बिल्कुल परफेक्ट आपकी सिलाई आ जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी तो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि हाँ आप लोगों को भी सेम ही प्रॉब्लम आती होगी जब भी आप वेलवेट का कपड़ा सिलाई करते होंगे। तो सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, खुदा हाफिज़।